अपनी लाजवाब एक्टिंग से लोगों के दिलों में घर कर चुके एक्टर पंकज त्रिपाठी आज देश के उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जिन्हें दर्शक बड़े पर्दे पर देखने को बेताब रहते हैं। भले ही वह फिल्म में साइड रोल करें, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी लीड स्टार से कम नहीं है। बहुत कम वक्त में पंकज ने पूरी इंडस्ट्री पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसी के साथ हाल में एक्टर ने मुंबई के मद आइलैंड में एक घर खरीदा है। जी हाँ, पंकज का मानना है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने के कारण ही वे इस सफलता को पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं। हाल में एक्टर ने इस बारे में मीडिया से बातचीत की और बताया, मैं और मेरी पत्नी मृदुला अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मैं आज भी पटना का अपना 3 वाला कमरा नहीं भूल पाता हूँ। एक रात बारिश और आंधी के चलते मेरे घर की 3 वाली छत उड़ गई थी और मैं आसमां को ताक रहा था। मेरी पत्नी बेहद इमोशनल थी जब हम अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल तक मैं कोई भी रोल कर लेता था, लेकिन अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि अपनी मर्जी के किरदार निभा सकता हूँ। पंकज ने कहा, मैं शुरू से ही कल्चर और आर्ट्स में काफी दिलचस्पी रखता था। 21 साल की उम्र में मैंने बिस्मिल्लाह खान के कॉन्सर्ट में जाने के लिए कई मील दूर तक साइकिल चलाई थी। हालांकि मुझे उनका म्यूजिक समझ नहीं आता था, लेकिन मैं उसे बड़े ध्यान से सुनता था। ये वो दौर था जब मेरी सिनेमा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि मुझे थिएटर काफी पसंद था। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था और फिर बिहार थिएटर करने लौट गया था। हालांकि मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि थिएटर में न तो कोई भविष्य है और न ही कोई पैसा, इसलिए मैंने मुंबई जाकर एक्टिंग करने का फैसला किया था।